हरे कृष्णा। आज मैं नारियल की मिठाई बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 200 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है और 150 ग्राम मैंने चीनी ली है, 5 चम्मच मिल्क पाउडर और 200 ml मिल्क। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बनाते हैं नारियल की मिठाई। दूध डाल देंगे, अब हम चीनी डाल देंगे, और एक उबाला आने तक चलाएंगे। अब हमने केसर मैंने घोला था थोड़ा सा, वो डाल देंगे। अब उबाला आ गया है, अब हम थोड़ी देर और चलाएंगे। अब हमने जो मिल्क पाउडर लिया था वो डाल देंगे। कलर भी खोया हुआ था, ये मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा इसको केसरिया रंग देना चाहती थी। अब हम ये गरी का जो बुरादा है वो डाल देंगे। गैस हम स्लो कर देंगे। मिल्क पाउडर भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज ये वैसे भी बन जाएगा। थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा सा ग्लेजी सा हो जाता है, और मिठाई बन गई है। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख लेंगे कि इकट्ठा हो रहा है, तो ये अब हमारा इकट्ठा हो रहा है। और इसमें एक चम्मच हम हम इसमें घी डाल देंगे। घी भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज घी की भी जरूरत नहीं है इसमें।
एक थाली में बीन्स लगा लेंगे। और इसको हम इसको जमा देंगे। अब हम इसमें चांदी का वर्क लगा देंगे। और लीजिए हमारी गरी की गोले की मिठाई बनकर तैयार है। अब हम इसको 10 मिनट बाद काटेंगे। लीजिए अब हम इसे काटते हैं। आप कोई भी अपना मनचाहा आकार दे सकते हैं। तो हम इसमें रख सकते हैं पेपर कप में। और लीजिए तैयार है हमारी नारियल के बुरादे की बर्फी। हरे कृष्णा।